इंतजामिया गांधरबल, जिला इंतजामिया गांधरबल, R&B, R&B, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिला इंतजामिया गांधरबल, जिला इंतजामिया गांधरबल, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, R&B, मेरा नाम दिल पजीर है, मैं यार मकाम अवान मला टू चकपुरा, ये रोड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ कि आज 8 दिन से बर्फ़ पड़ रही, 8 दिन जब हो गए बर्फ़ पड़ी हुई को, तो मैंने जबकि R&B वालों को भी फ़ोन किया, जई साहब को भी मैंने फ़ोन किया, स्टूडेंट साहब को भी मैंने फ़ोन किया, वर्क सुपरवाइजर है हमारा यहाँ उसको भी मैंने फ़ोन किया, कह रहे थे हम उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप खुद ही कितनी प्रॉब्लम है, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है इस टाइम, ऐसे 8 दिन से ये बर्फ़ यहाँ ऐसे ही पड़ी हुई है सर, और हमारा एरिया सब जो है अंदरवंद लेकर सब में ऐसे ही हालात है, यहाँ यार मकाम से लेकर सब, तो कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं, हर एक चीज़ की हमें प्रॉब्लम, पानी की हमें प्रॉब्लम, पावर की हमें प्रॉब्लम होती है, उस टाइम हम आवाज़ उठाते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है, ये ज़िला इंतजामी इस टाइम अपने दावे कर रही है कि हमने सब कुछ क्लियर किया, लेकिन ग्राउंड पे आप देखिए सर कुछ नहीं किया गया है, सब बर्फ़ ऐसे पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं, हर घर में बीमार हैं, आज आपको पता ही है हालात कैसी है, तो इसलिए हम मजबूर हैं, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं आपकी माध्यम से कि हमारे इस मसाइल पे गौर करें और हमारे ये मसले हल होने चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक अवान है, मैं अवान मल्ला यार मुकाम का रहने वाला हूँ। सर पिछले 8 दिनों से बर्फ़ गिरी हुई है सर, लेकिन आज तक हमारे इस रोड की जो बर्फ़ है आज तक किसी ने भी हटाई नहीं है सर। महकमा वाले कह रहे हैं या ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह रहे हैं कि हमने सारे इलाकों को क्लियर किया है सर, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ सर। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने क्लियर किया, लेकिन क्लियर हुआ नहीं है, लिहाजा मेरी ये गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से कि वो फौरी तौर हमारे जो मसले हैं मसाइल हैं इनको गौर कीजिए और इनके इनका हल निकालें सर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।